एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमंसिका। और आप लोगों ने मेरा सारा ब्लॉग देखा होगा, तो मैं फाइनली छत्तीसगढ़ आ गई हूँ अपने भिलाई वाले घर। मैं अभी अपने भिलाई वाले घर पे हूँ। हमें छोड़ने के लिए पापा जी आए थे, तो वो भी रिटर्न चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट नहीं दी हूँ, तो बता देती हूँ कि मैं भिलाई आ गई हूँ। और मैंने सोचा डेली व्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैंने आने के बाद बहुत सारी सफाई की थी, बट फिर भी अभी भी कुछ पेंडिंग है, वो सब भी करना है। अभी मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में आज छत्तीसगढ़ की स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हूँ। हाँ बाबू, पापा, ठीक है, पापा को कॉल करूँगी। छत्तीसगढ़ की फेमस चीज़ बना रही हूँ आज, ढेस बोलते हैं जिसे, कमल ककड़ी बोला जाता है। कमल की जो डंडी होती है उसका बहुत लोग कमल ककड़ी उसे बोलते हैं, और हमारे में ढेस बोला जाता है। पिछले बार मम्मी जी बनाई थी, मेरी सासू माई थी, तो वो, हाँ बेटा क्या हो गया, क्या चाहिए आपको? पिछले बार मम्मी जी ने बनाया था ढेस की सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं बनाऊं। मम्मी जी को मैंने पूछा, मम्मी जी ने भी बताया, और थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब किया, तो मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ढेस कांदा बनाने के लिए, ढेस कांदा बोलते हैं शायद, कमल ककड़ी। सबसे पहले मैंने ककड़ी को, जो कमल ककड़ी है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली है, और उसे उबालने के लिए कुकर पर चढ़ा दिया है। हाँ बेटा, उसे उबलने के लिए कुकर पर चढ़ा दिया है, और चना दाल डालकर मैं बनाऊंगी। तो चना दाल को मैंने उबाल लिया पहले, और जितनी भी चीज़ें तैयार करने की वो मैंने कट कर लिया है, मिर्ची, प्याज, ये सारा। और नायरा मेरा हाथ पकड़ कर चल रही है। नायरो, से हेलो एवरीवन, मम्मा को प्यार कर दो, नायरा मम्मा को प्यार करो, और ले मेरा बच्चा, इधर भी करो, हाँ वेरी गुड, नायरा फ्लाइंग किस कर दो, देखो फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस दे दो सबको, सारे व्यूवर्स को फ्लाइंग किस दे दो, दे दो बेटा, ऐसे कर दो, कर दो, कर दो नायरा, नायरू कर दो। अब इसे मेरा बिंदी निकालना है, इसका फेवरेट काम है बिंदी निकालने का ना नायरा। हाँ, नायरू शो शो करके उठ गई है, अब सबको कॉल करेगी, इसको बहुत सारे कॉल आते हैं, मेरा फ़ोन इसी में बिजी रह जाता है। इसकी नानी कॉल करती है, इसकी दादी कॉल करती है, इसके पापा कॉल करते हैं, इसकी मौसी कॉल करती है, सब लोग कॉल करते हैं, बुआ भी कॉल करती है, सब लोग कॉल करते हैं। मेरा फ़ोन ऐसे ही बिजी हो जाता है, इंगेज रहता है, और अगर कॉल नहीं आता है तो मैं उसे पोएम्स रेम्स जो होते हैं, वो नर्सरी रेम्स, वो सब सिखाती हूँ। देखो मेरा बिंदी गया अब, इसी में टाइम पार हो जाता है। मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग करूँ, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मेरे व्लॉग्स को, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती रहूँ अच्छी अच्छी। अभी मैं बनाऊँगी ढेस कांदा कमल ककड़ी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ रेसिपी। तो चलो चलते हैं किचन में, नायरा आ जाओ, नायरा मेरे पीछे पीछे आएगी। कुकर पे जो कमल ककड़ी उसको उबालने के लिए चढ़ा दिया है, और ये मैंने सारे जो वेजिटेबल्स चॉप कर लिया है। यहाँ पे लहसुन लिया है, हरी मिर्च ली है, प्याज लिया हुआ है बारीक कटा हुआ, और टमाटर चॉप किए हैं, और ये चना दाल को मैंने उबाल लिया है। अब मैं बनाने वाली हूँ कमल ककड़ी की रेसिपी, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ढेस जो है इसको 7 से 8 सीटी लगवानी है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, तो मुझे कच्चा में भी दिखाना था बट मैं नहीं दिखा पाई। अब जब ये उबल जाएगा तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। नायरू खा लो, ले लो, ये लो, ये खाओ, आप खाते नहीं हो कुछ। सबसे पहले यहाँ पे हम कर रहे कढ़ाई को गरम, और ये है मेरा ढेस कांदा, इसे बोलते हैं कमल ककड़ी। इसे मैंने उबाल लिया है, मैंने तैयार कर ली है, और यहाँ नायरा भी है हमें परेशान करने के लिए। नायरा आप भी कुकिंग करने आए हो ना, कुकिंग करोगे मेरे साथ, करोगे?
सो ऑयल अभी गर्म हो रहा है, देन उसके बाद हम लोग करेंगे स्टार्ट। जीरा की फोरन दे रही हूँ, जीरा, देन उसके बाद एक छोटी सी तेज पत्ता, ठीक है, तेल गर्म है, बहुत ज़्यादा ही गर्म है तेल। अब उसके बाद हम डालेंगे लहसुन, थोड़ी सा जो हमारा प्याज है ये थोड़ा लाल हो गया है, तो अब हम जो हमारी जो ककड़ी है वो हम डालेंगे, ये देखो। बैठा के गई थी बट नायरा तो ये थोड़ा बैठने लग गया था, बट मैंने अभी इसको इसको टमाटर डाल दिए ताकि ये थोड़ा और गले। अब मैं इसको जितने भी मसाले हैं वो डालूँगी। तो मसाले में सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और ये मसाला गुंडा है जो हमने खरीदा है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। तो नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, क्योंकि मैंने दाल पे भी थोड़ा नमक डाल दिया था तो इसलिए मैं नमक थोड़ा कम डालूंगी। इसे थोड़ा देर हो गया है तो मैंने इसे थोड़ा गलने दे दिया था, मसाला मेरी फ्राई हो गई है। तो अब मैं इस पर डालूंगी जो हमने चना डाल लिया था, साथ में पानी भी डाल दूंगी। है और देखते हैं नायरा क्या कर रही है। सो नायरा यहाँ पे खेल रही है, तब तक मैं उसका ये देखो, ये हमारी सब्जी है, ये पक रही है, फिर इसको हम लोग देखते हैं पका ही नहीं। यस, ये पक गए हैं चना दाल हमारी, ये भी पक गई है। तो अब हम जो इसकी आँच है वो मीडियम कर दे रहे हैं। बहुत स्मार्ट हो गई है वो, अपने से ये सारे रिंग्स को डाल लेती है ना बाबू। सब गिर गया, चलो रेड डालो, देन रेड। यस, और एक ग्रीन कहाँ गया बाबू? यस आई गॉट, वो देखो, चलो ढक्कन लगा दो, वो उसका हेड लगा दो, हेड नायरा हेड लगा दो। यस, हेड लगा दो। वाह, वेरी गुड नायरा। चलो अब नायरा, नायरा आपने अच्छा काम किया ना, चलो आ करो नायरा। ये देखो अब नायरा खाती नहीं है, खाओ, देखो सब लोग देख रहे हैं नायरा, चलो सब लोग देख रहे हैं, ये देखो सब देख रहे हैं, जल्दी खा लो, आ ये देखो खाने में नॉट इंट। चलो एक पार्सल रिसीव हुई है मुझे, ये वाली। सो ये मैं नायरा के पापा के लिए गिफ्ट मंगाई थी एक, सो वो अभी मुझे रिसीव हुई है, बर्थडे भी पार हो गया है बट गिफ्ट अभी रिसीव हुआ है, तो जब वो आएंगे तब मैं उन्हें ये दूंगी। नायरा पापा के लिए गिफ्ट है ना ये?
सो ये है वो गिफ्ट, उनके लिए मंगाया था मैंने, वो आएंगे तभी खोलेंगे इसको, ऐसे ही रहने देती हूँ मैं। एक टी शर्ट है। कहाँ भाग गया छोटा वाला? ये बड़ा बंदर। में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप लोग आवाज़ सुन सकते हो बारिश की, तो लाइट चले गई है। सो यहाँ पे नायरा ये इमरजेंसी लाइट से खेल रही है। बाबू लाइट चले गई है ना, और एक हमने बल्ब लगाया है तो वो जल रहा है। सो यहाँ पर थोड़ी मतलब क्या बोले, पावर की दिक्कत उतनी नहीं है, बट बारिश में पानी की बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी घर के अंदर आ जाता है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। सो ये नायरा भी लाइट के साथ खेल रही है, नायरा को देखना है कैमरा। लाइट चली गई है, मम्मा बेटा खेलो खेलो कर रहे हैं।